आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंडरकी के गांव सब्जीपुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 17 किलोमीटर तो ब्लॉक से भी 17 किलोमीटर है। 3500 वोट और 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान शाने अली के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान शाने अली और सचिव सुरेंद्र सिंह के सहयोग से विद्यालयों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक कुंडरकी के सब्जीपुर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया गया है, साथ ही लॉकडाउन में भी गांववासियों की काफी हद तक मदद की गई है। किस तरह से मदद की है और क्या क्या विकास कार्य इस गांव में हो चुके हैं, इसकी पूरी जानकारी प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। 4.5 साल जैसे आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अपने गाँव में अब तक करवा दिया आपने? जी, रोड बने हैं, सफाई और प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में काम हुआ है। इस वक्त भी चल रहा है कायाकल्प के अंतर्गत जी, और सार्वजनिक शौचालय में काम चल रहा है। ODF हो गई ग्राम पंचायत। हाँ, आवास मिले हैं लोगों को? आवास मिले जी, 14-15 आवास। पेंशन वगैरह यहाँ मिल गई है, मिल रही है लोगों को? हाँ, 80-85 लोगों को चल रही, कुछ रह गई पर आई है, अभी पैसा नहीं पड़ा। जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, गरीबों के लिए जो मुफ्त में लगे हैं या किसानों को सम्मान निधि का पैसा जो मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो आपके ग्राम पंचायत में कितने लोग इसका लाभ पूरी तरह से ले? 70% लोग, 70% लोगों को लगभग पूरा लाभ इसका मिला है। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगवाई हैं आपने? नहीं, वो सोलर लाइट तो नहीं लगवाई, कूड़ेदान लगवाए। हाँ, कूड़ेदान लगवाए जी। अब यहाँ पर जैसे स्कूल में आपने काफी सौंदर्यकरण करवाया है, आपने बताया है, तो उसमें पिछले टाइम पीरियड से लेकर के अब इन सालों में आपने कुछ चेंजेस देखे हैं? जैसे बच्चों की जो क्वांटिटी है वो बढ़ी है, या जो एजुकेशन का लेवल है, शिक्षा का स्तर है, वो बेहतर हुआ है? हाँ, काफी बढ़ा। मिड डे मील वगैरह सही है स्कूल में? सही है। आप टाइम देते हैं स्कूल में समय समय पर? हाँ, जाते हैं, देखभाल रखते हैं। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा यहाँ पर 12,000 पंचायत घर ही बने हुए हैं? नहीं, इसकी वजह इस वक्त तो है नहीं। अब मालूम किया था जिनके पर पंचायत घर है कि नहीं, ग्राम समाज की जगह है गाँव में? हाँ है, बन सकता। तो इसके लिए आपने कोई पूछी? हाँ, अभी लिख कर दिया, प्रस्ताव दे रखा है। हाँ। शमशान घाट को, शमशान घाट को बोला था, नहीं लेकिन बना नहीं, अभी तक बना नहीं। अस्पताल है यहाँ? वो तो आंगनबाड़ी वगैरह जहाँ बैठते हैं, एन एम वगैरह, वो है। अस्पताल कितनी दूरी पर है? कौन सा अस्पताल? सरकारी अस्पताल यहाँ से कितनी दूरी पर है? कोई भी सरकारी सामुदायिक केंद्र मुरादाबाद में? मुरादाबाद में, मतलब यहाँ कोई आसपास स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है यहाँ पर। मरीज को कोई परेशानी हो तो उसको सीधा जो है कई किलोमीटर तक चलना है। नलकी में है या मुरादाबाद जी? तो अब जैसे कि 17 दिन का लॉकडाउन भी रहा है और अभी भी ये परेशानी जारी है, अपनी जगह पर चली हुई है, तो आपके ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी परिवार होंगे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, काफ़ी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा हो, उनके लिए आपका किस तरह से आपने मदद की है? राशन वितरण भी जी, और जो सरकार सारा वो तो बटी रहा है, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से 2-3 बार आपने अपने स्तर पर भी लोगों को बांटा है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है गाँव में? ठीक है, सफाई कर्मी लगे हुए आते हैं? सफाई कर्मी इस वक्त नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं। कब से? 3 महीने। तो इस बीच में आपने सफाई? इस बीच में मेरे निधि से कराई, अपने अपने पास से यहाँ सफाई करवाई, सैनिटाइज करवाया है? करवाया। क्या आपके गांव में कोई बाहर से लोग आए हैं या कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसकी पुष्टि हुई हो, ऐसा कुछ था? जी जी हाँ, 20-22 लोग आए थे, क्वारंटाइन करा दिए थे, जाँच करवा दी गई थी, जाँच करवा दी गई। अब अपने गाँव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? सरकार से पंचायत घर बन जाए, शमशान घाट बन जाए जी, पर बाकी काफी रास्ते बन गए हैं और काफी बड़ा गांव है तो कई सारे रास्ते रह भी गए हैं। लगभग कितने मीटर सीसी से अभी और ये गांव पूरा पक्का हो जाएगा? कम से कम 12-13 मीटर सीसी। अच्छा, कितने परिवार अभी यहाँ ऐसे होंगे जिन जो मतलब अभी कच्चे आवास में हैं, जिन्हें जरूरत है कि आवास मिले उनके लिए? करीब 80-90 परिवार अभी बाकी है। इसके अस्पतालों को लेकर के भी आपने? जी, जितना हो जाए कमी है।
सफाई कर्मी का वजह क्या है जो यहाँ 3 महीने से? सफाई कर्मी मेडिकल पे चला गया था पहले तो, फिर उसका ट्रांसफर हो गया, अभी दूसरा आया नहीं है। तो इसके लिए आपने जो है, मैंने एडीओ पंचायत साहब को भी अवगत करा दिया है, अभी तक भी कोई सफाई कर्मी नियुक्त नहीं है। अभी तक आप केवल अपने स्तर पर ही आप गाँव में सफाई करवा जी चार महीने। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में यहाँ पर करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स डाले, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, ओडीएफ भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, और जो स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि पंचायत घर या शादी घर जो यहाँ पर निर्मित नहीं है, ग्राम समाज की जमीन होते हुए भी यहाँ पर इस तरह की कोई बिल्डिंग नहीं है। इसके साथ ही शमशान घाट, जिसका कि प्रस्ताव भी दे चुके हैं, मांग भी कई बार रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और अस्पताल जिसको लेकर यहाँ पर प्रमुख मांग रखी गई है, अस्पताल यहाँ पर निर्मित नहीं है, कई किलोमीटर दूर यहाँ मरीजों को अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के जाना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24/7।